और ये जो रास्ता है ना, इसको आप स्टेयरवे टू हेवन बोल सकते हैं। Welcome to Edomai. So all of you are doing well. मेरा last केदारकांत part 2 was about Delhi. तो Delhi से हम लोग निकले थे हरिद्वार के तरफ। तो आज हम लोग पहुंचेंगे हरिद्वार और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ दिखाएंगे और बताएंगे इनविंसिबल के बारे में। तो अगर अभी तक आपने पार्ट 2 नहीं देखा तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पार्ट 2 देख सकते हो। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो चलिए ये पार्ट शुरू करने से पहले आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं जो जो रहेगा हम लोगों के साथ इस ट्रिप में उनसे। अभी हम लोग हरिद्वार पहुंचने वाले हैं एंड आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस समवन। नाम बताओ। माय नेम इज मानव काबरा। सो ही इज मानव फ्रॉम अहमदाबाद, ही विल बी गोइंग विद अस। सो गाइस, वी हैव अराइव्ड एट हरिद्वार रेलवे स्टेशन, बट यहां पर आके दिक्कत ये हो गया कि यहां पर कुछ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है जिसके लिए इतना बड़ा लाइन है। यहां पर आप देख सकते हो स्टेशन से एग्जिट करने के लिए इतना बड़ा लाइन है। रजिस्ट्रेशन चल रहा है कोविड को लेके। यहाँ पर उत्तराखंड गवर्नमेंट का कुछ ऑर्डर्स है, उस हिसाब से हम लोगों को रजिस्टर करना होगा, उसके बाद ही हम लोग स्टेशन से निकल पाएंगे। तो ये थोड़ा दिक्कत हो गया हम लोगों का, अभी देखते हैं क्या होता है। तो कोविड टेस्ट का क्या हुआ था यहाँ पर, बस डिटेल लिया गया कि हम लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ पर स्टे कर रहे हैं, और बहुत लोगों का जो गंगा स्नान वगैरह के लिए आ रहे हैं उन लोगों का शायद कोविड टेस्ट हो रहा है। तो दैट इज़ ऑल। यहाँ पर इनविंसिबल के साथ ही जाने वाला बहुत लोग खड़े हैं जो बस के लिए वेट कर रहे हैं। तो सामने कहीं पर बस है जहाँ पर हम लोग को जाना होगा, वहाँ से जाएंगे हम लोग होटल। तो अभी हम सब वॉक कर रहे हैं बस के तरफ। तो हम लोग बस तक पहुँच चुके हैं। क्या दलाल लोग बहुत डिस्टर्ब करता है। एनीवेज बस में उठ के आपसे बात करूँगा। और ये रहा हम लोग का बस जो हम लोग को स्टेशन से लेके जाने वाला है गंगा व्यू होटल, जो यहाँ से 15 मिनट्स दूर है। फर्स्ट इनविंसिबल मेंबर वही पर हम लोगों को मिलेगा। हरिद्वार, हाउ इज द जर्नी? बढ़िया, ठीक ठाक। अभी आपको तीन दिन के ग्रुप में डिवाइड करना है, ठीक है? आपको मैसेज मिल गया होगा। और गर्ल्स और बॉयज का अकोमोडेशन अलग रहेगा। मैं आपका कुछ रूल्स बता देता हूँ इधर। जब तक कि आप कैंप पे रहोगे, नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल, नो टोबैको, नो ड्रिंकिंग। इफ एनीवन फाउंड दिस, इस कैंडिडेट विल बी टर्मिनेटेड एट दैट टाइम। सही है? बाद में कोई नहीं बोलेगा कि भैया बताया नहीं था किसी। तो होगा सुबह 4:30 बजे, रिपोर्टिंग टाइम है इधर नीचे। कल आपकी जर्नी रहेगी 8 से 10 घंटा। पंक्चुअलिटी मेरे को चाहिए, 4:30 बजे नीचे आ जाना है सबको। अभी आपको जिसको मैसेज करना है कर देना। आप अभी रूम अलॉट होगा। अभी फरहान और उसका दोस्त लोग आ रहे हैं ऋषिकेश से। तो अभी वो लोग आएगा और हम लोग एक साथ खाना खाएंगे। तो भाई, हम लोगों का पहला दिन है हरिद्वार में। तो दिन नहीं है, पहला रात यहाँ पर हम हरिद्वार में बिताएंगे। कल सुबह एट अराउंड 5 हम लोग यहाँ से निकलेंगे शांकरी के लिए। तो ये रहा हम लोगों का रूम, ठीक है, मतलब एडजस्ट हो जाएगा। और अभी फरहान लोग भी आ गया, सो हम जाएंगे डिनर करने और उन लोगों के साथ फॉर्मल इंट्रोडक्शन बाद में आपसे कराएंगे। खाना अभी बहुत हो गया है, 2 दिन बना। Good morning guys, good morning from Haridwar. This is 4:00 in the morning, after half an hour, we shall leave Haridwar for Shakti. Is still sleeping. अभी हम लोग होटल से निकल पड़े हैं बस के लिए। तो ये बस जाएगा सांकरी।
और ये ट्रेवल होने वाला है ऑलमोस्ट 10 आवर्स का। अभी टाइम है 5 AM, आपसे तब तक रास्ते में मिलते हैं। देन अराउंड 1 आवर हम लोग बस में वेट किए। अभी हम लोग का बस छूटा यहाँ से 6 AM और सुबह सुबह शुरू हुआ एक ब्यूटीफुल जर्नी विद इनविंसिबल। सुबह सुबह आसपास का ये नज़ारा देख के दिल खुश हो गया। हम लोग 6 बजे निकले थे, अभी 9 बजे है, तो एक शॉर्ट ब्रेक है यहाँ पर, तो इसके बाद फिर से चलेंगे बस में। जगह का नाम नहीं पता, यहाँ पर हम कुछ नाश्ता करने आए हैं। As you know, मेरा दिन का शुरुआत तो चाय छोड़ के होता ही नहीं। एक छोटा ब्रेक के बाद हम लोगों का फिर से जर्नी शुरू हुआ। अभी इस रास्ते में चलते चलते हम जो देखे वो शायद ही आपको वर्ड्स में डिस्क्राइब कर पाएंगे। और ये जो रास्ता है ना, इसको आप स्टेयरवे टू हेवन बोल सकते हैं। सपनों के इस रंगीन दुनिया में खोए हुए हम सब बस में बैठे बैठे आगे बढ़ते रहे। पहाड़ एक ऐसा चीज है ना, जिसे देखते ही आपके दिमाग से सारी चिंता दूर हो जाती। अभी हम लोग रास्ते के बीच में है, जहाँ पर हम लोगों का टायर, बस का टायर चेक किया जा रहा है। तो अभी यहाँ पर थोड़ा फोटोज़ वगैरह खींचने के बाद हम लोग
फिर से बस में जा रहे हैं। We are just 30 kilometers away from Sakri. तो अभी हम लोग लंच के लिए रुके हैं। टाइम है 3:30। सो आपको बैकग्राउंड दिख रहा होगा कितना अमेजिंग है। क्या नेचुरल ब्यूटी और ठंड थोड़ा है यहाँ पर। मेरा हाथ थोड़ा सा कांप रहा है। मैं अभी भी कोई प्रिकॉशन मतलब स्वेटर वगैरह नहीं पहना हूँ। ओ चलो कुछ खा के मिलते हैं आपसे। देन फाइनली कुछ फोटोग्राफ लेके हम लोग यहाँ से चल पड़े साकरी की तरफ। जाते जाते सनसेट होने वाला था। दूर वो पहाड़ का कलर आपको दिख रहा है। वो नजारा शायद ही जिंदगी में कभी हम भूल पाएंगे। हम लोग आगे बढ़ते रहे और फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मुझे स्नो देखने को मिला। सच बोलूं तो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। देन फाइनली साकरी पहुंचते हो गया शाम। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पार्ट 3 ऑफ माय केदारकांता ब्लॉग्स। और नेक्स्ट ब्लॉग से चालू होने वाला है मेरा केदारकांता ट्रेकिंग जो शुरू होने वाला है साकरी से। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन बिकॉज नेक्स्ट वीक आने वाला है मेरा पार्ट 4 ऑफ द केदारकांता ब्लॉग। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।